सर 2 तारीख के दिन में मैं काम पे गया हुआ था सर। तो काम पे जाने के बाद कुछ शिकायतें मेरे मोबाइल पे आए, कॉलोनी वाले ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है तुम्हारे घर पे, ऐसी ऐसी बात तुम्हारे काम पे जाए पीछे कोई आता है लड़का, एक शिवानी नाम का औरत है वो आता है और ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे जैसे बात का पता लगा मैं घर पर आया, अपनी घरवाली को फ़ोन किया मैं कहाँ है, तो इतने ही 2-4 फ़ोन करने बाद वो डर गई, उसके बाद घर पर वो आई नहीं सर। साथ में क्या क्या लेके गई अभी पत्नी? साथ पे वो कुछ नहीं लेके गई जी, चांदी का पायल था सर सिर्फ वो ले गया, बाकी सारा सामान मेरे घर पे है, 90,000 रुपये ले गया जी। बच्चे भी साथ में? हाँ, तीनों बच्चे को साथ में ले गया जी। कितने साल के बच्चे हैं? एक है 7 साल का जी, एक गोद में, एक 1.5 महीने का है सर और एक इतना सा है सर। आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं जी रसोइया हूँ जी, महिपाल डांडा जी का। फिलहाल 15 दिन से अभी मैं इसी चक्कर में ढूंढने लग रहा हूँ इधर उधर जी, धक्के खा रहा हूँ, रोटी तक नहीं खा पा रहा हूँ सर, कुछ भी नहीं। पुलिस में आप शकल देख के ही पता लगा रहे होगे, बिल्कुल ही सारा कुछ। पुलिस में शिकायत दी आपने? पुलिस में शिकायत दिया जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा जी, ना उसका फ़ोन आता पुलिस वालों को मेरे पास, मेरे को खुद मजबूरन जाना पड़ता है वहाँ पर थाने में, तो फिर भी कोई वो नहीं होता जी। क्या आपको क्या डर लग रहा है, आपको क्या शक है किसी पे आपको? मुझे शक है सिर्फ 3 का शक है जी, तीनों का नाम मैंने आपको बताया जी, सोनू है, शिवानी है, राहुल हरी, इस पे शक है, ये गलत लोग है सर। मेरे को ये डर है कि मेरे बच्चों को ना कहीं भेज दे जी, मेरे को बहुत ज़्यादा डर, रात को पूरी रात चिंता लगाया रखता जी। आपसे कोई फ़ोन बातचीत की आपने, कोई फ़ोन आया भी किसी प्रकार का? किसी का फ़ोन नहीं आया, कल फ़ोन आया था मेरी घरवाली का पापा का, वो कहने लग गया वो दिल्ली में है। फिर मैं उनको जब ये पूछता हूँ दिल्ली में आपको किन्ने बताया दिल्ली में है, वो किसी का नाम नहीं लेता। रात को फिर फोन आया, कहने लग गया भाई किसी संजय नाम का लड़का कह रहा था, संजय कह रहा था, फिर नाम सोनू का लिया जौहरी नगर में सोनू का, फिर शिवानी का नाम लिया, फिर मैंने थाने में भी ये बात बोला सर वो भी शिवानी का ही नाम ले रहा सर, आप कुछ कार्रवाई उसको पकड़ो सर, एक बार उसको टाइट करो जब भी वो बताएंगे जी, फिर वो कोई यानी कि कुछ सुनवाई नहीं हो रहा सर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ भी नहीं सर, ना तो उनका फ़ोन आता मेरे पास, कुछ भी फ़ोन नहीं आता सर, अभी कई दिन से फ़ोन नहीं आ रहा, मैं खुद अब भूले भटके पहुंच जाता हूँ जी वहाँ पे, बहु जी कर दो बहु जी, पाँव भी पकड़ता हूँ उनका, ये कर दो जी, कहता अपने आप पता लगेगा तो मुझे पता कहाँ पे है, तो मैं चलूँगा सारा खर्चा तेरा, तो मैं इतना खर्चा कहाँ से लाऊँगा। आपको क्या लग रहा है आपकी पत्नी अपने अपनी मर्जी से गई है या उसको बैला फुसला के लेके गई? उसको बैला फुसला के ले गए जी, क्योंकि जो औरत है शिवानी नाम की, उनने अपनी 2 लड़की भी पहले किसी को दे दिया जी, पूरे कॉलोनी में पता है जी, और मेरे को यही शक है कि वो मेरी फुसला के ले गए जी, क्योंकि जो औरत है शिवानी नाम की, उनने अपनी 2 लड़की भी पहले किसी को दे दिया जी, पूरे कॉलोनी में पता है जी, और मेरे को यही शक है कि वो मेरी कॉलोनी वाले भी यही कह रहे जी, मंजू को शिवानी ने ले गया ट्रेन में बिठा कर, यही कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन से क्या गुहार लगा रहे हो आप? मैं ये कहता हूँ सर बस जहाँ कहीं वो एक बार तलाश करो जी, मेरी बच्चों को ला दो, मेरी घरवाली को ला दो जी, बस इतना करो निवेदन है। साहब शंभू बहुत जानकार आदमी है, क्लोज है हमारी, लेकिन मेरे को अभी पता चला कि इनका जो बच्चे गुम हो चुका है, और बहुत अच्छा आदमी है ये, और थाने में गया, थाने से भी मतलब जो कोई मतलब इनको मदद नहीं मिल रहा है, तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा और आप मीडिया प्रभारी से भी गुजारिश करूंगा जो भाई इनका गरीब आदमी को साथ दे, इनके बच्चे ढूंढने में आप लोग थोड़ा सा तत्परता दिखाएं और कोशिश करें। बहुत गरीब आदमी है बेचारे, रोटी खा रहा था कमा करके, लेकिन बच्चे बाला फुसला कौन ले गया, क्या हुआ नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन कोई तफ्तीश नहीं कर रही है, तो मैं मीडिया से भी यही कहूँगा कि थोड़ा प्रशासन पर भी जोर दर करके इनका काम करवाए। शंभू का शंभू क्या काम करते, कहाँ पर काम करते? शंभू तो पहले ये महिपाल डांडा जी के पास विधायक, ग्रामीण क्षेत्र विधायक हैं, उनके पास चाय वगैरह का काम करता था, लेकिन काफ़ी दिन से ये छोड़ दिया, 1-2 महीना से छोड़े हुए है, अब किस कारण छोटा नहीं छोटा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं तो अभी कहा कि भाई जाओ गुहार लगाओ उनके पास जा करके, वो तो सबके हैं, तो ले भी जाएंगे साथ में, देखते हैं।